महाराष्ट्र सरकार ने भारत और चीन के साथ विवाद के बीच चीनी कंपनियों के साथ करोड़ों का करार किया। चीनी कंपनियां जब करार कर रही थी तब उस दौरान सीएम उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को शहीदों की कोई परवाह नहीं है और धड़ल्ले से चीन को करोड़ों का टेंडर दे दिया गया। राज्य सरकार पर जब सवाल उठे तो दलील दी गई कि चीन से पैसा आ रहा है ना कि जा रहा है, इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हालांकि दिन बीतने के साथ ही अब सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारिक संगठनों से लेकर राजनीतिक दल महाराष्ट्र की कांग्रेस एनसीपी शिवसेना गठबंधन की सरकार को घेर रहे हैं। व्यापारी संगठन कैट ने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को लेकर सरकार की कड़ी निंदा की है। कैट ने शिवसेना को बाला साहेब ठाकरे के राष्ट्र प्रेम की याद दिलाई है। चारों तरफ सरकार की किरकिरी हो रही है। महाराष्ट्र में विपक्ष में बैठी बीजेपी महाराष्ट्र सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रही है, लेकिन शिवसेना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहां पैसा आ रहा है ना कि जा रहा है। हालांकि शिवसेना के मुखपत्र सामना में इसे लेकर लिखा गया है कि चीन से जारी ताजा गतिरोध में पूरे देश में चीनी सामान का विरोध हो रहा है। चीन की बहुत सारी कंपनियों का भारत में निवेश है, बहुत सारी कंपनियां भारत में व्यापार कर रही है। देश से आवाज उठ रही है इन कंपनियों पर नकेल कसी जाए। सामना में भी देश के लिए एक नियम बनाने के लिए कहा गया है। कांग्रेस के नेता विवादास्पद बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हो या पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, ये लोग हमेशा भाषा की मर्यादा लांघ देते हैं। पीएम मोदी के लिए भी कई बार इन लोगों ने आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया है। अब केरल के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने महिला मंत्री को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। एम रामचंद्रन ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा कोविड रानी का खिताब पाना चाहती हैं। रामचंद्रन के इस बयान के बाद सीपीएम की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने रामचंद्रन के बयान को लैंगिक भेदभाव करने वाला बताया और इसके लिए उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा। रामचंद्रन ने यह भी कहा कि निपाह वायरस फैलने के दौरान शैलजा कोझिकोड में अतिथि बनकर गई थी और उन्होंने निपाह राजकुमारी बनने का प्रयास किया था। राज्य के वित्त मंत्री टीएम थॉमस आइजेक ने रामचंद्रन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर पर लिखा, केपीसीसी अध्यक्ष केरल की स्वास्थ्य मंत्री शैलजा को कह रहे हैं कि निपाह राजकुमारी अब कोविड रानी बनने चली है। क्या कोई नेता इतना नीचे गिर सकता है? इन सब से शैलजा और केरल सरकार को मिलने वाली वो प्रशंसा कम नहीं होगी जो महामारी से निपटने के लिए उन्हें मिली है। वरिष्ठ सीपीएम नेता वृंदा करात ने रामचंद्रन के बयान की निंदा की और कहा कि इस प्रकार का बयान लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है। दरअसल रामचंद्रन ने कांग्रेस नेता रमेश चिन्नीथाला के विरोध प्रदर्शन के दौरान विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा कि निपाह वायरस फैलने के दौरान हमारी स्वास्थ्य मंत्री कोझिकोड में अतिथि कलाकार बनकर गई थी। एम रामचंद्रन ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य मंत्री शैलजा कोविड रानी का खिताब पाना चाहती हैं। हालांकि कांग्रेस नेताओं की विवादास्पद बयान देने की आदत पुरानी है, समय देखकर ये लोग माफी भी मांग लेंगे। गलवान घाटी हिंसा पर कांग्रेस का देश विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है। पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन के सहारे पीएम मोदी पर निशाना साधा और अब कांग्रेस नेता जाकिर हुसैन ने भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बेहद आपत्तिजनक एवं विवादित बयान दिया है। जाकिर हुसैन की अपने दोस्त के साथ बातचीत की एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई है। इस ऑडियो क्लिप में जाकिर भारतीय फौज को नीचा दिखाने वाला और चीनी सैनिकों का महिमा मंडन करने वाला बयान दिया है। ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद कारगिल में कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑडियो क्लिप में जाकिर ये कहते हुए पाए गए हैं कि चीन की सेना लद्दाख में 135 किलोमीटर तक दाखिल हो गई है और उसने मार मार कर भारतीय सैनिकों को वहां से खदेड़ा। कांग्रेस नेता का यह बयान सेना के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है। जाकिर ने आगे कहा कि पेंगांग लेक को चीन यदि अपने कब्जे में ले लेता है तो भारत के पास बचता क्या है। चीन आने वाले दिनों में लद्दाख के कई टुकड़े करेगा। कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी के बारे में भी अभद्र टिप्पणी की है। विवादित ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद लद्दाख की कांग्रेस इकाई ने जाकिर के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस का कहना है कि ये जाकिर की निजी बातचीत है। जाकिर लद्दाख में काउंसलर है। जाकिर के इस बयान पर लद्दाख से बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने कांग्रेस पर विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद ने पूछा कि कांग्रेस अपने इस नेता को पार्टी से अभी तक निष्कासित क्यों नहीं किया है। वहीं अपने कांग्रेस नेता की ऐसी बयानबाजी पर कांग्रेस आलाकमान ने भी चुप्पी साध ली है। महाराष्ट्र में शिवसेना को बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया है। चीन के साथ जारी गतिरोध पर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल मोदी को घेरने में जुटे हैं। कांग्रेस अपने समय की गलतियों का ठीकरा मोदी पर फोड़ने में जुटी है। वहीं शिवसेना को भी एक और मौका मिल गया है, लिहाजा चीन से लड़ने से पहले मोदी को अब अपने घर के भेदी से लड़ना होगा।
शिवसेना सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना की माने तो आगामी चुनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हारने के बाद मोदी अकेले रह जाएंगे। संजय राउत ने सामना में लिखा है कि भारत की सीमावर्ती क्षेत्र अब कन्फ्लिक्ट जोन है, सभी पड़ोसी चीन के साथ जा रहे हैं, भारत पर चीनी आक्रमण हमारी विदेश नीति की विफलता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगामी चुनाव हार जाएंगे, मोदी का साथ कौन देगा। संजय राउत ने कहा कि जब बराक ओबामा 55 साल के लंबे विवाद के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में क्यूबा गए थे, तब क्यूबा के पूर्व प्रधानमंत्री फिदेल कास्त्रो ने कहा था, क्यूबाई लोगों के लिए ओबामा का नया प्यार दिल का दौरा दे सकता है। शिवसेना सांसद ने कहा कि शी जिनपिंग की भारत यात्रा भी ऐसी ही थी, क्योंकि ये विश्वास करना कठिन था कि चीनी भारत के मित्र हो सकते हैं। संजय राउत ने कहा कि 1975 के बाद ये पहला मौका था जब चीनी सेना के साथ संघर्ष में इतने सारे भारतीय सैनिक शहीद हुए, हम कैसे बदला लेंगे। उन्होंने पूछा कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक केवल पाकिस्तान के लिए थी। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी को चीनी सामान पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहना चाहिए था, लेकिन भारत का चीन के साथ व्यापार जारी है। संजय राउत यही नहीं रुके, पीएम मोदी और बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने ये भी कहा कि चीन के हमले ने बाहुबली राजनीति की हवा निकाल दी है। इसके अलावा अपने नए सहयोगी कांग्रेस का बचाव करते हुए राउत ने कहा कि बीजेपी अब ये कहने की स्थिति में नहीं है कि नेहरू ने 1962 में चीन के साथ गड़बड़ी की थी। अमेरिका के साथ सहानुभूति से भारत को चीन जैसे तटस्थ देश को लेकर कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि अब नेपाल जैसा देश चीन के इशारे पर भारत की आलोचना कर रहा है, इस क्षेत्र में अब भारत अकेला रह गया है। दरअसल भारत में चीन को लेकर राजनीतिक दलों की जो बयानबाजी हो रही है, इससे यही लग रहा है कि विपक्ष भारत को ही कमजोर करने में लगा है। ऐसे वक्त में जब देश चीन से लड़ रहा है, पीएम मोदी चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश में है। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई भारतीय सैनिकों की झड़प और उसके बाद के हालात को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस अपने पूरे कुनबे के साथ राजनीति करने में जुटी है। उधर राजस्थान में बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञान देव आहूजा ने आरोप लगाया कि प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने गलवान घाटी के संघर्ष में जख्मी हुए सेना के जवान सुरेंद्र सिंह के पिता बलवंत सिंह पर बयान बदलने का दबाव बना रही है। गहलोत सरकार ने बलवंत सिंह के घर पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को भेजा, जिसके कारण वो गायब हो गए हैं। आहूजा ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयं सेवक बलवंत सिंह की सुरक्षा में है। उन्होंने कहा कि बलवंत सिंह कहाँ हैं, इस बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है कि किसी को उनके बारे में नहीं बताया जाए। आपको बता दें कि बलवंत सिंह ने एक वीडियो में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से गलवान घाटी मामले में राजनीति नहीं करने की बात कही थी। इससे पहले राहुल गांधी ने बलवंत सिंह का एक वीडियो ट्वीट कर सरकार से पूछा था कि हमारे जवानों को निहत्थे क्यों भेजा गया था। इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया था और राहुल गांधी पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया था। देश के 8 राज्यों की 19 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 8 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है। अब एनडीए की संख्या 100 के पार हो गई है और राज्यसभा में उसकी दावेदारी और मजबूत हो गई है। बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राज्यसभा में पहले 90 सदस्य थे, अब 245 सदस्य उच्च सदन में उसकी संख्या बढ़कर 101 हो गई है। बीजेपी के पास राज्यसभा में अब तक 86 सीटें और कांग्रेस के पास महज 41 सीटें हैं। अगर अन्ना द्रमुक 9, बीजेडी 9, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 6 जैसे दलों का समर्थन और कई संबद्ध नामांकित सदस्यों का समर्थन गिना जाता है, तो मोदी सरकार के समक्ष वहां किसी गंभीर संख्यात्मक चुनौती का सामना करने की चुनौती नहीं है। चुनाव आयोग ने 61 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव कराने की घोषणा की थी, जिनमें से 55 सीटों पर मार्च में चुनाव होना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसमें देरी हुई। पहले ही 42 सदस्य निर्विरोध चुने गए थे और शुक्रवार को 19 सीटों पर हुए चुनाव में से बीजेपी ने 8 सीटों, कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस ने 4-4 सीटों और 3 अन्य ने जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश और गुजरात में कांग्रेस के कई विधायकों के दल बदल के कारण बीजेपी ने अपनी संख्या के बल पर कुछ और सीटें जीती। इन 61 नए सदस्यों में से 43 पहली बार चुने गए, जिनमें बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल है।
दोनों लोकसभा के सदस्य थे, लेकिन 2019 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ और लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष एम थंबीदुरई भी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। ऊपरी सदन में विपक्ष का संख्याबल अधिक होने के कारण पहले कार्यकाल में मोदी सरकार की विधायी एजेंडे को संसद में अक्सर अड़चनों का सामना करना पड़ता था और पहले कुछ सालों में बीजेपी की तुलना में कांग्रेस के पास अधिक संख्या थी। हालांकि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और कांग्रेस के हाथ से कई राज निकल गए, जिससे सदन में सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या में धीमी लेकिन लगातार वृद्धि हुई है। एलएसी पर अब चीन की खैर नहीं। भारतीय सैनिक चीनी गीदड़ों को सबक सिखाने के लिए बॉर्डर पर मुस्तैद है। चीन को अब एक गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। भारत ने चीन की सीमा पर अपने दो आधुनिक हेलीकॉप्टर चिनूक और अपाचे को तैनात किया है। सीमा पर मिग, हरकुलिस, मिराज, सुखोई विमान भी तैनात है। लिहाजा सेना, नौसेना और वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा सीमा पर सैनिकों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है। सेना को स्थिति के मुताबिक एक्शन लेने की छूट पहले भी दी गई थी, लेकिन अब राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया है कि सेना चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए तैयार रहे। ये भी जानकारी मिली है कि चीन के साथ लगती सीमा की रक्षा के लिए भारत अब से अलग सामरिक तरीके अपनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख मसले पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ लद्दाख की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। जानकारी के मुताबिक बैठक में सेना को एलएसी पर पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। कहा गया है कि चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए सेना तैयार रहे। सेना प्रमुखों से चीन की हर हरकत पर पैनी नजर रखने को कहा गया है। उधर गलवान घाटी में मन की नहीं कर पाने के बाद चीन बौखला गया है। अब उसने पेंगोंग झील के 8 किलोमीटर इलाके को ब्लॉक किया है। ऐसे में आशंका है कि अगला विवाद पेंगोंग झील पर ही हो सकता है। हालांकि अब भारत चीन की चाल को समझ गया है और अगर चीन फिर कोई दुस्साहस करता है तो भारत उसका माकूल जवाब देगा। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद कांग्रेस मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही है। वही कांग्रेस जिसकी वजह से 1962 की लड़ाई हुई और भारत के 43,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन कब्जा जमाकर बैठा है, कांग्रेस की वजह से या चीन के साथ ऐसे हालात हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के तमाम धुरंधर मोदी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताने में जी जान से जुटे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को एक बहाना मिल गया है। कोरोना काल में फ्री बैठे राहुल गांधी पूरे दिन ट्वीट खेल रहे हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला बोला है। राहुल ने ट्वीट कर मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी वास्तव में सरेंडर मोदी है। इससे पहले भी राहुल कई बार ट्वीट कर चीन के साथ हुए झड़प को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध चुके हैं। हालांकि राहुल के गलत बयानबाजी को लेकर पीएमओ ने उनको जवाब भी दिया है, लेकिन फिर भी राहुल ऐसी ही बातें कर रहे हैं। दरअसल भारत चीन सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि कोई भी हमारी सीमा में घुसा नहीं है और न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। आज कोई भी हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता है। मोदी के इस बयान के बाद से विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमला कर रहा है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू मुसीबत में फंस गए हैं। बड़बोलेपन और हर बात में शायरी करना सिद्धू को महंगा पड़ गया है। बिहार पुलिस को नवजोत सिंह सिद्धू की तलाश है और पिछले कई दिनों से बिहार पुलिस अमृतसर में डेरा डालकर बैठी है। हालांकि सिद्धू गिरफ्तारी के डर से लापता हो गए हैं और पुलिस उनके घर का चक्कर काट रही है। बिहार पुलिस की टीम कटिहार में सिद्धू के खिलाफ दर्ज केस के सिलसिले में यहां पहुंची है। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम इस मामले में उनको समन देने पहुंची है। पुलिस टीम इससे पहले भी कोर्ट का समन लेकर आ चुकी है, लेकिन उस समय भी सिद्धू नहीं मिले थे। पुलिस टीम का कहना है कि इस बार समन न लेना सिद्धू को भारी पड़ सकता है और गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो सकता है। दरअसल सिद्धू पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान विवादित भाषण देने के आरोप में कटिहार के वर्सोई थाना में मामला दर्ज है। आरोप है कि सिद्धू ने 16 अप्रैल 2019 को एक चुनावी सभा में विवादित भाषण देकर आचार संहिता का उल्लंघन किया था। मजिस्ट्रेट के बयान पर नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ वर्सोई थाने में केस दर्ज किया गया था। पुलिस टीम का कहना है कि वो पिछले 4 दिन से नेता की कोठी के चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। बिहार पुलिस दिसंबर महीने में भी पूर्व मंत्री को समन देने के लिए अमृतसर पहुंची थी। आपको बता दें नवजोत सिंह सिद्धू 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में प्रचार के लिए पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने कटिहार में कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया था। आरोप है कि इस सभा में उन्होंने एक समुदाय विशेष को उकसाने वाली बातें कही थी।
हालांकि अगर सिद्धू इस बार भी समन नहीं लेते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।